इंडो अमेरिकन चैम्बर के नेशनल प्रेसिडेंट श्री पंकज बोरा जी, रीजनल प्रेसिडेंट श्री अरुण कर्मा जी, आज के इस वर्कशॉप के संयोजक डॉक्टर उपासना अरोड़ा जी, मुकेश सिंह जी, शिशिर उपाध्याय जी और देश भर से हमारे काशी शहर से आए हुए बहुत ही चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञ नौजवान साथियों, उद्योग धंधे से लगे हुए साथियों, देवियों सज्जन, मैं सबसे पहले तो हमारे पूरे देश भर से जो तमाम सारे जो इंडियन इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथी आए हुए हैं, आप सबका अपने इस देश की सांस्कृतिक राजधानी काशी में स्वागत करता हूं। अगर आप काफी समय के बाद बनारस में आए हैं तो मैं कहूंगा थोड़ा वक्त बनारस में गुजारिए। आपने देखिए इस बाबा विश्वनाथ के शहर को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या रंगत दे दी है। पिछले 10 साल के भीतर न तो गंगा इतनी स्वच्छ थी, न तो गंगा के घाट इतने सुंदर और साफ सुथरे थे, न तो काशी विश्वनाथ धाम का जो इतना बड़ा वैभव है वो वैसा वो स्वरूप था जैसे लगता था कि छोटी सी जगह में बाबा विश्वनाथ को बैठा करके बांध रखा हुआ है, न तो काशी के सड़कें इतनी चौड़ी थी, न तो आपको इतना सुंदर नजारा, क्योंकि काशी एक स्मार्ट शहर है, जो 100 स्मार्ट शहर चुने गए पूरे देश भर में से उसमें से काशी भी एक शहर चुना गया। एक राष्ट्रीय चैलेंज चुनौती के माध्यम से उस समय में भारत सरकार का एडिशनल सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट हुआ करता था और फिर उसका जब विकास हुआ तो मैं भारत सरकार में सचिव आवासीय शहरी कार्य मंत्रालय हुआ करता था, तो मैंने देखा कि कैसे शहर हमारा स्मार्ट से स्मार्ट होता है। तो मैं आपसे अनुरोध कर लूँ कि काशी यहाँ के खास व्यंजनों के लिए मशहूर है, खास यहाँ के हैंडीक्राफ्ट के लिए मशहूर है। अगर आप आए तो बनारसी साड़ी या जरूर अपने साथ, अगर आपकी पत्नी साथ में है या साथ है तो उनको साथ ले जाकर के, साथ नहीं आएंगे तो अपने कुल पसंद से उनके लिए बनारसी साड़ी जरूर लेके जाए। यहाँ के तमाम किस्म की जो काम मीनाकारी का काम होता है, इतने किस्म के काम होते हैं, आप जरूर उसको देखिए और एक बार जरा गंगा माता के अंदर नमो घाट से लेकर अस्सी घाट तक यात्रा भी कर लीजिए शाम को जब आपको काशी के अंदर मिल जाएगी। तो मैं आपको उस काशी में आप सारे लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। काशी में इंडो अमेरिकन चैम्बर ने यह कॉन्फ्रेंस रखा किस विषय पे, हेल्थ एंड वेलनेस के बारे में। ये बहुत बढ़िया आपने पसंद किया जब मुझे मुकेश सिंह जी ने फोन किया कि काशी में वो ऐसा कुछ कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, तो मुझे लगा दुनिया के पहले चिकित्सक, दुनिया के पहले योगी बाबा विश्वनाथ। आप जो शिव के बारे में सोचते हैं, किसी भी प्रकार की औषधि के बारे में सोचते हैं तो बाबा विश्वनाथ के अलावा किसी और का ध्यान ही नहीं आता। महायोगी, दुनिया के हर चीज के चिकित्सक, सारा का सारा पूरी औषधि की आप उनके नाम से होता है। और उनके शहर में जो दुनिया का सबसे प्राचीनतम शहर है, आज धरती माता पर इससे बहुत सारे शहर आए आकर के चले गए, खत्म हो गए, इतिहास के काल के काल में समाप्त हो गए, लेकिन काशी अनादि काल से चला रहा है। काशी की कहानियां तमाम सारे हमारे ग्रंथों में, तमाम सारे हमारे जो वेद है, पुराण है, शास्त्र है, सब जगह काशी का वर्णन है। ये दुनिया का सबसे पुराना शहर है और ऐसे शहर में बाबा विश्वनाथ के शहर में आप ये कॉन्फ्रेंस, धन्यवाद। आपने जो विषय चुना है, तीन विषय, नॉन कम्युनिकेटिव डिजीजेस, मेंटल हेल्थ
और आर्थिक परिस्थिति, ये तीनों विषय कितने महत्वपूर्ण है। आप जो चिकित्सक है, मैं चिकित्सक नहीं, और मुझे हमारे छोटे भाई अमीश जी हमारे साथ पढ़ते थे, आईआईटी आदि में पढ़ते थे, बाकी प्रशासनिक सेवा में भी हमारे साथ हैं और तमाम सारे जगह साथ रहे, बिल्कुल मेरे छोटे भाई हैं। उन्होंने मुझे डॉक्टर कहा, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, मैं तो मेडिकल का डॉक्टर हूँ, मैं तो दूसरा डॉक्टर पीएचडी वाला डॉक्टर हूँ, लेकिन अच्छे मौत क्या है, और उत्तर प्रदेश सरकार का मेडिकल सेक्रेटरी भी रहा हूँ, उसके रूप में भी मुझे बहुत कुछ अनुभव हुआ। जो हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में तो बहुत कुछ जान लेते हैं, क्योंकि वो एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुंचता है, उसको इतनी तेजी से, जैसे कि लेटेस्ट एग्जाम्पल कोविड आई, तो सबके दिमाग में ताजा ताजा होगा, जब कोविड आई वो वैश्विक महामारी थी, और एक प्रकार से ऐसा एक हड़कंप मचाती, सुनामी मचाती, जिसे पूरी दुनिया हिल गई। इसी प्रकार से मलेरिया है और भी तमाम किस्म की बीमारियां हैं, एक आदमी से दूसरी घटे डिजीज है, एक से दूसरे तक पहुंचती है, उसके बारे में भी चिंतित रहते हैं। लेकिन जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज है, जो कि आप खुद एक्वायर करते हैं, आप खुद सफर करते हैं, और आप उससे आपकी जिंदगी, आपकी जो क्षमता वो कम होती है, आप पंगु होते हैं, आपको भगवान ने जो ताकत दी उस ताकत का प्रयोग नहीं कर पाते, जहां के लिए आप व्यवसायी हो, आप छात्र हो, चाहे आप गृहस्थ हो, जिस किसी रूप में आप शिक्षक हो, आप योगी हो, जो भी रूप में हो, ये आपकी क्षमता को कम करके धीरे 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 अंदर साइलेंट किलर्स, एक दिन एक विस्फोट होता और आप चले जाते। लगभग 70% हमारे डेथ का कारण नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, कम्युनिकेबल डिजीज 30% नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, चाहे वो रेस्पिरेटरी हो, चाहे वो हार्ट को लेकर के हो, कैंसर को लेकर के हो, डायबिटीज की आपने बात की, हाइपरटेंशन की आपने बात की, और ये सारी डिजीजेस को हम खुद भगवान ने हमको नहीं दिया है, हम खुद उसको पालते हैं। कैसे पालते हैं? अपने लाइफ स्टाइल से पालते हैं। आपने माननीय प्रधानमंत्री जो हुए तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी अभी हाल फिलहाल में वो यहां से चुन करके हमारे देश का तीसरे बार उनको गौरव प्राप्त हुआ है, अपने इतिहास में तीसरे बार चुन करके देश के प्रधानमंत्री पूरे देश को अपनी उस ऊर्जा को अपनी ताकत देने का मौका दिया, यही से चुन करके। अगर आप सुनिए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में माननीय प्रधानमंत्री, बगैर खर्चे के या कम खर्चे के आप अपने जीवन के इतने बड़े रिस्क से अपने को छुटकारा पा सकते हैं, केवल अपने लाइफ स्टाइल के परिवर्तन से। पूरे दुनिया को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में इतना बड़ा उपहार दिया, जो हमारे ऋषियों का, हमारे संतों का, हमारे मनुष्यों का, ये और सबसे पहले बाबा विश्वनाथ का, भगवान शिव का, मानव जाति के लिए इतना बड़ा उपहार है योग, जिसे पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने उसको सूत्रबद्ध किया, ज्ञान तो हमारा उसके वर्षों पुराना था, उसको सूत्रबद्ध में, उसको पतंजलि शास्त्र के रूप में, उसको जो उसने सूत्रों में डाला महर्षि पतंजलि ने, अभी आने वाला 21 जून, आज कितना तारीख है, 14 हो गया, आज से 7 दिन के बाद 21 जून को ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होगा। अभी कल ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग ली पूरे प्रदेश भर के सारे जिलाधिकारियों का, सारे अधिकारियों का बैठक ली, और तय हुआ कि हम लोग 15 तारीख से लेकर 21 तारीख के बीच में पूरा एक योग सप्ताह मनाए, और ऐसा हमारे उत्तर प्रदेश में इसकी परंपरा चल रही है, ताकि योग के माध्यम से हम अपने लाइफ स्टाइल में जो परिवर्तन करेंगे योग के माध्यम से, अपने स्वास्थ्य के ऊपर, अपने दिनचर्या के भोजन के ऊपर, अगर इन चीजों को हम लोग ध्यान देंगे मेडिटेशन के माध्यम से, ताकि हम इन बीमारियों को नहीं पालेंगे जो कि साइलेंट किलर से, और किलर जो तुम्हारा किल कर देता है, ये किल नहीं करता, धीरे धीरे किल करता, क्षमता को कम करते चले जाते। जो भी हो, आप गृहिणी है, ऐसे गृहिणी आपको घर में काम करने में मन नहीं लगेगा, और ऐसी डिजीजे जिसके बारे में मैं देखा कि आपका जो हम प्रोग्राम देख रहे थे गोल्डन आवर्स के बारे में, अगर किसी को हार्ट अटैक हो गया, कैसे गोल्डन आवर्स में अगर पहुंचे तो डॉक्टर आपको बता सकता है, और नहीं तो जो डैमेज होता है वो
रिकवरेबल नहीं है, उसको जो है रिवर्सिबल नहीं। तो इस सब के बारे में आज आप यहां चर्चा करेंगे। आप यहां चर्चा करने जा रहे हैं मेंटल हेल्थ के बारे में। आपको पता होगा कि मेंटल हेल्थ के बारे में इतनी सारी आपको मालूम है 10% से ज्यादा लोग इंपैक्टेड है। लोगों को पता नहीं है कि वो मेंटल हेल्थ के इफेक्ट हमारे यहां तो टैबू है। अगर आप किसी ने कहिए कि आपको मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है तो टैबू है, कोई नहीं सुनना चाहता। कि हमको डिप्रेशन है, कोई नहीं सुनना चाहता। कि हमको ये इस प्रकार की प्रॉब्लम है जो कि अगर हम दिमाग का, जैसे हम अपने सरदर्द का इलाज करते हैं, जैसे हम अपने पेट के दर्द का इलाज करते हैं, आपके जो तमाम सारे इलाज करते हैं, तो वैसे एक मेंटल हेल्थ भी बीमारी है। उस मेंटल हेल्थ की बीमारी से बचने के लिए हर कोई चाहता है कि तुमको छुपा कर रखो, दबा कर रखो, पर्दे के भीतर बंद करके रखो। इसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी के उनके मार्गदर्शन में पूरे देश में मेंटल हेल्थ पे काफी बड़ा काम हुआ है। युवाओं में आज की डेट में छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, इम्तहान आते हैं, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी का बच्चों से सारा का सारा चर्चा करते हैं कि कैसे आप उससे अपने को बचा सकते हो। मेंटल हेल्थ हमारा, अगर मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होगी, ये सारा का सारा पूरा हमारी शक्ति का गुण हमारा दिमाग, और दिमाग में ही अगर हमारी कोई कमजोरी होगी तो फिर उसके आगे जब हम बाकी सारे के सारे हमारे काम नहीं करेंगे, कम करेंगे, अपनी क्षमता से किसान कम काम करेंगे, क्योंकि सारी ताकत वहीं से हमको पूरा का पूरा जो सेंट्रल कमांड है वो सेंट्रल कमांड वहां बैठा हुआ है। तो पहला तो उसको एक्सेप्ट करना है और एक्सेप्ट करके उसको इलाज कराना है। तो इलाज कराने के लिए इलाज हम खुद नहीं कर सकते, इलाज कराने के लिए चिकित्सक के पास जाना है, किसी ऐसे विशेषज्ञ के पास जाना है, ऐसे किसी साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिक के पास जाना है जो कि हमारा उसको इलाज कर सकता है। इसके बारे में भी चर्चा करो। इसीलिए एक नया व्यवस्था चालू हुई जो हमें डिजिटल माध्यम से लोग विदाउट इनकॉग्निटो, विदाउट ये बताएंगे कि हम किसको किसके साथ हम लग रहे, लोग उनसे सीधा सीधा एक टेली मेडिसिन का जो ऐसा सिस्टम बना जिसके माध्यम से लोग उनसे अपना परामर्श दे सकते, केवल अपने एक अपने काम कार्यचरण में परिवर्तन से भी इनमें काफी ज्यादा फर्क आ सकता है। और योग तो ये सारी चीजों का इलाज कर सकता है। जो तीसरा आपने सब्जेक्ट पकड़ा ऑस्टियोपोरोसिस, आज ये बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी समस्या है। और ये समस्या किसमें सबसे ज्यादा है? महिलाओं में। मेनोपॉज़ल महिलाएं होती ही उनका जो है उनके ऊपर ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम है, मेटोपोरोसिस है, 90% प्रॉब्लम महिलाओं के साथ, 10% मेल के साथ। मेल का तो होता भी तो 60 साल के बाद होता है। हमारी माताओं बहनों में 50 साल 45 साल जिस समय बढ़ती चली जाए और अलग तरीके से उनमें अक्षमता लाना चालू कर सकते। तो जब तक आपको इसका ज्ञान नहीं होगा, जब तक अपने खान पान में विचार व्यवहार में आपको परिवर्तन नहीं लाएंगे, आप इस बीमारी के ऊपर तो जो विषय आपने सुना इसको साइलेंट किलर के रूप में, ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और इस विषय को केवल हम इलाज के रूप में नहीं, आज हमारे देश में पूरे चिकित्सा तंत्र का सोच बदल गया है, सोच बदल रहा है। आप सोचिए आयुष्मान भारत का किसने सोचा था, आज 50 करोड़ से ज्यादा लोग हमारे उत्तर प्रदेश में आपको दान करके खुशी होगी, 5 करोड़ 10 लाख लोगों को आयुष्मान के कार्ड मिले, 5 करोड़ 10 लाख लोगों को आयुष्मान कार्ड मिले, 1 करोड़ 80 लाख से ज्यादा परिवारों को इसका लाभ मिलता है। पिछले साल केवल 23-24 की मैं बात कर रहा हूं, लगभग 5,500 करोड़ रुपए हमारे तमाम सारे जो कार्ड धारक है उनके इलाज पर सरकार ने खर्च किया है, लगभग 27 लाख लोगों को इसका फायदा मिला है। जो हमारा आयुष्मान कार्ड का कार्य ये कार्यक्रम है, जन आरोग्य कार्यक्रम, उसके तहत हमारे उत्तर प्रदेश में लगभग 27,000 आरोग्य मंदिर बन रहे हैं, काफी सारे हमारे 22,000 बन चुके हैं, बाकी बन रहे हैं। इतना ज्यादा एक परिवर्तन ग्राउंड लेवल पे जमीन के अंदर पे इतना बड़ा परिवर्तन पूरे प्रदेश में हो रहा है, क्योंकि तो प्रदेश को माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नई ताकत देने के लिए उन्होंने कहा कि हम लोग ट्रिलियन, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बना करके दुनिया में हम 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे।
कहा हम सातवें नंबर की व्यवस्था, हम लोग ग्यारहवें नंबर की व्यवस्था थे 10 साल पहले, ज्यादा नहीं 10 साल में एक विकेट बहुत ज्यादा नहीं होता। तीसरे नंबर पहुंचने का हमारा प्रदेश दूसरे नंबर से पहले नंबर पर पहुंचे, वो पहुंचने के लिए सारी की सारी अर्थव्यवस्था में जो ताकत थी जो उसके बेस बनाने का स्तर वो सारी व्यवस्था बन चुकी है। और उन सब चीज के लिए आवश्यक है कि हमारे लोग स्वस्थ हो, हमारे लोग बीमारियों से दूर रहे, बीमारियां होनी नहीं, क्योंकि बीमारी में हम इलाज के ऊपर इलाज के लिए तो इतने सारे बताए आपको, इतने सारे मेडिकल कॉलेज बने, हर जिले में मेडिकल कॉलेज हमारे उत्तर प्रदेश में बन रहा है, जिन जिले में नहीं वहां पे भी मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, नए नए आपके जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में उसको इंकरेज किया जा रहा है, तमाम सारी और व्यवस्थाएं बन रही है, लेकिन हम इलाज से पहले बीमार ही न पड़े इस बात की व्यवस्था होनी चाहिए। और इस बात के लिए हमारे देश की जो आपने भगवान काशी विश्वनाथ के जो नगरी में इस नगरी में जो ये कार्यक्रम रखा है, मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पे आप में से कुछ जो आपके जो इसके विद्वान चिकित्सक या विद्वान आपके जो प्रेजेंटर्स होंगे प्रस्तुतिकरण करने वाले होंगे, मैंने विषय तो देखा उनका बैकग्राउंड में नहीं जानता, निश्चित तौर पर हमारे देश की जो ताकत आयुर्वेद की जो ताकत है, हमारे देश की ताकत जो है इंडिजिनस सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, तमाम सारी चीजें हमारे देश से पैदा हुई जिनको हम समय के साथ भूल गए थे, जब कोविड आया तो ऑपरेशन दोबारा रिवाइव हो गया, लोग एक बार दोबारा काढ़ा पीना चालू किया, एक बार दोबारा लोगों ने उन तमाम चीजों का प्रयोग करना चालू किया जिसको भूल गए, जरूर उसके बारे में बात करेंगे, आप जरूर बात करेंगे योगा के बारे में बात करेंगे, और योगा की बात करें तो स्थान योग के माध्यम से यम नियम प्राणायाम सारे का सारा वो जो पूरी आठों चीजें उसके बारे में भी बात करें, और यहां से संकल्प लेके जाए कल से अंतर्राष्ट्रीय योग सप्ताह उत्तर प्रदेश मनाने जा रहा है, पूरे प्रदेश भर में हमारे हर पार्क में हर स्कूलों में हर जगह लोग योग करते हुए नजर आएंगे और योग करके अपने को निरोग बनाने के लिए कार्य करेंगे, और आपकी जो कार्यशाला उस कार्यशाला का उद्देश्य क्या है, लोग निरोग हो, लोग इलाज के लिए अस्पताल न पहुंचे बल्कि इलाज की जरूरत ही न हो, जरूरत पड़ेगी कुछ एक समय में, अब ये आया है हमारी और हर मशीन में कुछ तो खराबी होती है, लेकिन हम अपने तरफ से तो कम से कम इतना प्रयास करें कि हमारे जीवन में भोजन ऐसा भोजन हो जिसके माध्यम से हमको हमारा जो शुगर लेवल न बढ़े, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल न बढ़े, हमारे अंदर वो तमाम सारे विकार जो है जिसकी वजह से जो हमारी जो न्यूट्रिएंट्स या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का वो तो पूर्ति हो, उसके अलावा एक्स्ट्रा चीजें ऐसी चीजें बॉडी के हमारे ऊपर ओवरलोड लग रही जो बॉडी का नुकसान करे, हमारी जो है सोच एक पॉजिटिव सोच हो ऐसी पॉजिटिव जिसकी वजह से उस नेगेटिव की उसके उस स्थिति में हम पहुंच पाए, साथ ही रोज नित्य अपने जीवन में थोड़ा सा योग थोड़ा सा एक्सरसाइज वो भी अपने जीवन को अपना लें तो उससे हम अपने को स्वस्थ रखेंगे। तो आपने जो ये कार्यक्रम रखा है पूरे एक आधे दिन का आरोग्य के बारे में, मैं उसके लिए इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो तमाम सारे साथी आए हैं पूरे देश भर से आप सबका स्वागत करता हूँ, बहुत सारे लोग जो मैं देखा कि कुछ आज जो डिजिटल जमाना आ गया है जो डिजिटल माध्यम से जुड़े हुए उन सारे लोगों का यहाँ पे मैं स्वागत करता हूँ, और जो लोग डिजिटल जिले में उनसे मैं कहूंगा कि आने वाले समय में डिजिटल जिले में फिजिकल आप आइए और काशी को आकर के देखिए, काशी में गंगा जी में स्नान करिए और साथ में पास में अयोध्या है वहां जाकर भगवान राम की उस ऊर्जा को भी एक बार उसका पानी लगे देखिए कि आप पे कितनी ज्यादा ऊर्जा होगी, कितनी सारी बीमारियों को स्वतः मुक्ति मिलेगी, वहां पर सूर्य जी का भी आप प्रणाम करेंगे आसन करेंगे उससे अलग से एनर्जी आपको प्राप्त होगी। तो मैं एक बार दोबारा आप सबको अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हुआ, आपने मुझे बुलाकर के आपने सम्मान किया उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ, अपनी बाणी को प्रणाम दूंगा, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।